पिता का श्राप, एक हमारे आता है पितृ श्राप, एक है पिता का श्राप। पिता का श्राप कैसे बनता है, इसके लक्षण क्या है, पहले मैं बताता हूं बनता कैसे। दो चीजें जिम्मेवार है, एक तो सूर्य ग्रह और दूसरा दशम भाव। सूर्य ग्रह के साथ शनि ग्रह बैठा हो, सूर्य ग्रह के साथ राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, सूर्य नीच राशि में हो, सूर्य मरणासन हो। मरणासन में ये जरूर देखना कि मरणासन से अगर मुक्ति हो रही है तो फिर वो नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। और इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, लग्नेश भी कमजोर होना चाहिए। जो मैंने अभी श्राप बताता रहा ना, इनमें एक चीज इम्पोर्टेंट है, मैं शायद हेक में ना भी बताऊं तो ये आपने नोट करके रखना है, इसको ऐसे बड़े बड़े फिगर में लेके डिब्बे में बना लूं कि लगन का लॉर्ड भी इल प्लेस्ड होना चाहिए, मतलब कि कमजोर होना चाहिए या कुंडली के बुरे भाव में बैठा होना चाहिए, तो ये श्राप ज्यादा परेशान करेंगे। अगर लग्नेश मजबूत है तो, यदि श्राप है भी तो उसका इफेक्ट बहुत कम महसूस होगा। तो सूर्य तो इस तरह से आपने देख लिया। दशम भाव, दशम भाव का स्वामी ग्रह यदि नीच राशि में बैठा है, पाप प्रभाव में है, मैं ध्यान रख रहा, मैं दशम भाव नहीं का, दशम भाव का स्वामी ग्रह यानी कि दशमेश के साथ मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, पाप ग्रह ग्रस्त है, तो ये पिता का श्राप माना जाता है, इसे फादर कर्स बोल सकते हो। क्या लक्षण है इसके, शास्त्र में लिखा है जो काम पिता करता आया है वही काम अक्सर पहले बेटा करता था। इसी प्रकार से जो पाप कर्म पिता ने किए हैं उसका असर बेटे को भी झेलना पड़ता है, यानी वो कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, पिता के अच्छे कर्म बेटे के साथ, पिता के बुरे कर्म बेटे के साथ। क्योंकि कहा गया है जब आप पिता के धन पर, पिता की एसेट्स पर जब आप प्राप्त कर लेते हो, हक आपने ले लिया, तो पिता के पाप कर्मों को कौन भुगतेगा, तो पुत्र संतान पर उसका प्रभाव आता है। तो जब सूर्य शनि एक साथ होते हैं ना तो ये दोष बड़ा उग्र हो जाता है, तो बाप बेटे की बनती नहीं है, पिता पुत्र में बनती नहीं है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होने से भी ये स्थिति आ जाती है कई बार। सर आपने कहा पुत्र को आता है, तो क्या बेटी के लिए भी यही फॉर्मूला है या नहीं नहीं है? नहीं 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 है, बेटी तो प्रताप दान जी कर बेटी दी, पर बेटी अप्लाई दान नहीं हो गई, करेगा, दान कर बेटी दी। पर अप्लाई नहीं होगा, ओनली पुत्र पर ही अप्लाई होगा। सर सर संक्रांति जैसे लड़की लड़की है, उसके लड़का है ही नहीं, तो फिर तो बेटी जिम्मेवार होगी सर? जी नहीं होगी नहीं, ऐसा जगदीश नहीं, जी, नहीं होगी, नहीं होगी जी। ये मैं शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूँ जगदीश जी। बेटी को पराया धन इसीलिए तो माना जाता है। सर मान लो फिर ना, और फिर बेटी की फिर कुंडली में ना सूर्य राहु बैठे हैं एक साथ, तो फिर मानेंगे या नहीं मानेंगे उसको हम? सूर्य राहु बैठे हैं तो पितृ श्राप हो गए ना, हाँ, तो हो गया ना उसके कुंडली में फिर। आप क्या कह रहे हो रुचि जी, मैं समझा ही नहीं आप। मैं ये कह रही हूँ, अगर कोई जातक अच्छा है वो फिर लड़की है, उसके कुंडली में सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं अष्टम भाव में, उसे पितृ श्राप नहीं कहेंगे, पर पिता पर कष्ट बहुत रहेगा, पिता की हेल्थ खराब रहेगी, अच्छा ठीक है है ना, जी। पिता को व्यापार में घाटा हो सकता है, पिता को फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, पिता को कोई सीरियस बीमारी हो सकती है,
ठीक है। पर उसे हम लड़की के ऊपर नहीं कहते, इसीलिए पितृ उन्हें कहा जाता है, लड़की का जो उसके पति यानी ससुराल से जो प्राप्त होते हैं, इसीलिए पितृ। इसलिए जब लड़की घर में लेकर के आते हैं, हम बहू को घर में लेके आते हैं दुल्हन को, तो सबसे पहले पितरों का माथा टिकवाया जाता है हाँ जी, और उनको पितृ को इसे अपनाना कहते हैं। हाँ तो जी, महिलाएं मिलकर के करवाती हैं कि जो है ये हमारी परंपरा का एक हिस्सा है, इट्स ए ट्रेडिशनल मैटर, बट एस्ट्रोलॉजी इसको बहुत ज्यादा मानती है। इसलिए कहते हैं ज्योतिष से कुछ नहीं हटा। और हमारे भारत में जितनी भी परंपराएं थी वो सभी एस्ट्रोलॉजी से आई हैं। जो कुरीतियां थी, कुरीतियां हमारे ज्योतिष से नहीं आई हैं। इसलिए ज्योतिष में कहीं पर भी आपको सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलेगा। पूरे पूरे शास्त्र में, पूरे ज्योतिष शास्त्र में ये कुरीति थी, ये कुछ लोगों के द्वारा पैदा की गई। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पर्दा प्रथा कहीं उल्लेख नहीं है, ये मुगलों के कारण आई थी। ठीक है, तो जो भी कुरूतियां हैं वो सभी मानव निर्मित थी। आप देखो ये भ्रूण हत्या आजकल हो रही है, चंद्रमा के जो ससुर हैं, ससुर थे दक्ष, उनके 27 लड़कियां थी, एक की भी बेचारे ने भ्रूण हत्या नहीं करी। 27 देख लो कितनी होती है, 27, जो कि फिर नक्षत्र के अंदर हम जिसको लेते हैं। चलो ये हो सकता है स्टोरी हो, बट एक प्रतीकात्मक स्टोरी है। तो कहीं पर भी आपके शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है कि लड़की होने के कारण उसे गर्भ में मार दिया गया तलाक भी नहीं होता था, है जी। तलाक तलाक भी नहीं नहीं था। होता, तलाक शब्द ही उर्दू का है, पारसी शब्द है वास्तव में, उर्दू का भी नहीं कहेंगे हम इसको, उर्दू तो हिंदुस्तान की भाषा है। तो ये जो पितृ श्राप है, इससे हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से हमारे कार्य क्षेत्र में। हमारे कार्य क्षेत्र में उसकी क्या रेमेडी है, आइए देखते हैं। इसमें है ब्राह्मणों को भोजन करवाना, गोदान करना और भगवत गीता को पढ़ना और भगवत गीता बांटना, गायत्री मंत्र का पुरुषरण करना। सर पुरुषचरण का मतलब बता दीजिए प्लीज। पुरुषरण का मतलब होता है हर ग्रह और हर मंत्र की एक निश्चित संख्या दी हुई होती है कि आप एक पुरुषण का मतलब है इतना मंत्र पाठ करने से वो मंत्र ग्रह सॉरी जो ग्रह का ग्रह जो है वो शांत हो जाता है या फला देवता प्रसन्न हो जाता है, वो एक संख्या निश्चित की गई है, ये शास्त्र सम्मत है। जैसे सूर्य है, सूर्य जो है कि जो है सूर्य की महादशा कितने वर्ष की होती है, 7 साल गुरुजी, 7 साल, सिक्स ईयर, सिक्स छह ईयर, साल, सिक्स सिक्स। बस, तो इतना 1.25 लाख को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। चंद्रमा की महादशा कितने साल की होती है, 10, 10 साल दस साल दस 10 1.25 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। शुरुआत कितने से होनी चाहिए, 1.25 लक्ष, दैट्स ए मिनिमम संख्या, ये मिनिमम संख्या होती है। शुक्र के लिए 20 साल, तो 1.25 लाख को 20 से मल्टीप्लाई कर लो। गायत्री मंत्र का एक पुरुष चरण कंप्लीट करने की जो संख्या है वो 1 करोड़ है, तो इसको 4 चरणों में पुरुष चरण पूरा होता है, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, ऐसे 4 चरण करके करोड़ की संख्या मानी जाती है। पर हमें उस संख्या में जब जाना है जब उसकी सिद्धि प्राप्त करनी है उस देवता की,
ये वो बड़े लेवल की चीज है। तो हम छोटी छोटी संख्या को पकड़ के चलें, इतना बड़ा व्रत नहीं लेना है कि हम सीधा 25 लाख का व्रत लेकर के बैठ गए, तो वो काम नहीं करना। हमने 1.25 लाख की संख्या का एक बार किया, फिर 1.25 लाख किया, फिर 1.25 लाख किया, धीरे 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 करते हुए आगे बढ़ना है मंत्र शास्त्र में। वो आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से मंत्र साधना करनी होती है। एकदम से नहीं शुरू हो जाना, बिना सोचे समझे सीधा साधना में घुस जाओ, वो चीज बहुत खराब करती है, बजाय फायदा होने के नुकसान होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए अगला कर्ष को लेते हैं।